प्यार का तड़का, bringing families together. Welcome to Kimti Kitchen, जहां लगता है प्यार का तड़का. और आज हम बनाएंगे मेरी मम्मी की रेसिपी से मसाला टी का मसाला. और हम बनाएंगे एक कप बढ़िया सी मसाला टी उसके बाद. तो हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए इसके लिए ड्राई जिंजर, और इसमें मैंने थोड़ा सा केसर भी डाला है. केसर इज़ ऑप्शनल. अगर आप ठंड के दिनों में बनाना चाहते हैं मसाला तो आप ज़रूर केसर थोड़ा सा ऐड करिए, अदरवाइज़ गर्मी में थोड़ा सा इसका हॉट रहता है जो टेम्परेचर रहता है, तो आप अवॉइड करिए उसको. और मैंने लिए इसमें थोड़ी सी लौंग, थोड़ा सा दालचीनी. अगर दालचीनी आपके पास खड़ी नहीं है तो आप दालचीनी की जगह 1 teaspoon सिनेमन पाउडर भी ले सकते हैं. कुछ ये साइज़ का दालचीनी था जिसको मैंने ब्रेक कर लिया है. और लगेगी इसमें कार्डमम, और ये है नटमक जिसे हम जायफल भी बोलते हैं. तो एक राउंड जो जायफल होता है उसका मैंने 1/4 हिस्सा इसमें लिया है. और जाएगी इसमें ब्लैक पेपर, जो कि बहुत ही कड़क चाय का फॉर्मूला है. तो अब इन सबको हम सबसे पहले रोस्ट कर लेंगे मसालों को हल्का सा. और हमें जो हमारी ड्राई जिंजर है जिसको हम सोट भी बोलते हैं, वो और केसर को हम रोस्ट नहीं करेंगे. तो मैं रोस्टिंग पे ये मसाले लगा रही हूँ, और हमें इसे 2 से 3 मिनट रोस्ट करना है, जब तक कि इन मसालों की थोड़ी सी जो अरोमा है ना वो बाहर आ जाए. तो मैं यहाँ पे सारे मसाले डाल रही हूँ. जब इसको रोस्ट करोगे तो आपको खुद को इसकी खुशबू का आइडिया लग जाएगा कि ये थोड़ा सा फ्लेवर, मतलब इसका जो महक आने लग गई है मसालों की. सो मोस्ट लाइकली 2 से 3 मिनट लगते हैं इन मसालों को रोस्ट करने में. मसाला मैंने रोस्ट करके थोड़ा ठंडा होने दिए थे वो सारे मसाले, और उसके बाद उसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, जो कि कुछ इस तरह का दिख रहा है. और अब हम बनाते हैं 2 कप बढ़िया सी मसाला चाय. तो इसमें मैंने 1 से 1.25 कप तक का पानी डाला है. कुछ लोगों के यहाँ गाढ़ी चाय पी जाती, कुछ लोगों के यहाँ पतली. जनरली मैं बराबर से पानी और दूध डालती हूँ. तो हम 2 कप बना रहे हैं तो मैंने थोड़ा सा पानी, लाइक 1.25 कप पानी डाला है. अब पानी हमारा बॉयल हो चुका है, तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2 TSP चाय की पत्ती, और मैं डालूँगी इसमें 2 TSP शुगर. शुगर और चाय, एक्चुअली एवरीथिंग का अपना घर का अलग फ्लेवर रहता है. कोई गाढ़ी चाय पीता है तो कोई कड़क चाय पीता है, कोई तेज़ मसाले की चाय पीता है, कोई कम शक्कर की चाय पीता है. तो ये हमारे घर पे जैसी चाय बनती है मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ. और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हमारा जो फ्रेश वाला मसाला है. तो 1 कप में 1/4 teaspoon मसाला जाएगा, और मैं यहाँ पे 2 कप बना रही हूँ तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ. और आप चाहें तो मसाला कम ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंडिंग हाउ लाइक स्ट्रॉन्ग टी यू वॉन्ट टू ड्रिंक. आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा अदरक भी ग्रेट करके डाल सकते हैं. वैसे तो इस मसाले के साथ ज़रूरत नहीं रहती है, बट यहाँ पे बारिश का मौसम है और मेरे पास अदरक है. बहुत सारे लोग इसमें तुलसी भी डालते हैं फ्लेवरिंग के लिए. तो एक बार का हमारा, जब ये थोड़ा सा पानी और मसाला अच्छा उबल जाएगा चाय के साथ, जो कि अब हो गया है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप अराउंड दूध.
और अब हम इसको बॉईल पे आने देंगे। दो से तीन मिनट हमने इस चाय को अच्छा उबाला दे दिया है। मेक श्योर करिए कि आप इसको अच्छे से उबालिए, तभी मसालों का फ्लेवर आता है और दूध भी कुक होता है, क्योंकि दूध अगर कच्चा रहता है तो चाय के टेस्ट में मज़ा नहीं आता है। और अब हम इसको छान लेंगे। ये हमारी मसाला टी रेडी है और बस अब इसको मज़े से पीना है, क्योंकि आज यहाँ पर बारिश हो रही है। एंड फ्रेश मसाला टी, नथिंग कैन बीट इट। Thank you for watching our channel. Please like and subscribe, and please request any new recipes, vegetarian recipes which you want us to share with you. Thank you. One stop answer to your Australian education and visa matters. GEMCO Sydney. Dream big, achieve big. Fiji Times. Be with the times.